सुप्रभात बच्चों बच्चों, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। उनका चैप्टर है कैदी और कोकिला। तो इसमें बताएंगे कि जो जेल में होते हैं कैदी, उनके बारे में कोयल क्या सोचती है। तो अब देखिए इनका जीवन परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। 16 वर्ष, आज एक 10वीं का बच्चा, 10th का जो बच्चा होता है वो 16 वर्ष का होता है, और वो ये उस समय शिक्षक बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। कोई पत्रिका चलती थी प्रभा नाम से, उसमें इस उसका इन्होंने संपादन किया, चलाया उसको। वे देशभक्त, कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। अब दो पत्रिकाएं और थी, कर्मवीर और प्रताप। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं थी हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा उन्की प्रमुख कृतियां थी। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इनका दूसरा उपनाम क्या था, एक भारतीय आत्मा। इस उपमान नाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो ये जीवन परिचय माखनलाल चतुर्वेदी जी का था। अब इनका जो साहित्य है जो हम पढ़ेंगे आगे, वो है कैदी और कोकिला। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स भेज रही हूँ, उनको आप अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे। अभी इनका जीवन परिचय पढ़ना ध्यान से, क्योंकि जीवन परिचय भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। धन्यवाद।